हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज मैं गांव की तरफ जा रहा था मतलब, और इसकी वीडियो मैंने बना रखी है। खैर वो मिल जाएगी आपको, कल डाल दूंगा उस वाली वीडियो में पिथौरागढ़ जॉलजी भी। बट अभी मैं यहाँ पे मेन बीच जगह में रुका हुआ हूँ और यहाँ पे हो रही है रोड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन तो क्या मतलब, ऊपर से पहाड़ पूरा नीचे गिरा हुआ है ना, तो जो बुलडोज़र हैं उसको पूरे सफाई कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ज़ूम करता हूँ भाई तुम लोगों के लिए, और ये देखो दो बुलडोज़र लगे हुए हैं काम पे, और बिल्कुल मिट्टी विट्टी गिराते हुए। और वो देखो पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं इस तरफ, ये पेड़ के पीछे हैं, दिख नहीं रहा है इसलिए ढंग से। और वो देखो भाई कहाँ से गिर रखा है पहाड़, इतना ख़तरनाक गिर रखा है। पता नहीं कितना टाइम लगता है अब इसको ठीक होने में, मतलब बनने में। अच्छा हुआ कि छाया में मिले हैं, उस तरफ से धूप है पूरी की पूरी, उस तरफ वाली गाड़ियों का तो भुसो रखा होगा पूरा का पूरा। बट कम से कम यहाँ ये पेड़ है तो थोड़ी बहुत धूप है तो थोड़ा सही हो रखा है। और देखो कितना टाइम लग रहा है, लगे हुए हैं काम करने में। पहाड़ में ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है भाई, खुद ऊपर से कभी भी गिर जाता है, मतलब वो क्या भूस्खलन जो होता है ना, कभी भी हो जाता है। बारिश हो ना हो उससे कुछ मतलब नहीं है, ऐसे भी हो जाता है। थोड़ी देर रुकते हैं, अब कैसे कितना टाइम लगता है देखते हैं। ये देखो भाई गिरने लग गई है मिट्टी पूरी नीचे, भाई साहब खतरा तो है यार, वैसे यहाँ ऐसी बात नहीं है। थोड़ा आगे आ गया हूँ वहाँ से भाई, और कई सारी गाड़ियाँ रुक गई हैं, उतनी तो क्या मतलब बहुत ही हैं गाड़ियाँ, पहाड़ के हिसाब से तो बहुत गाड़ियाँ हैं। और सामने चल रहा है कंस्ट्रक्शन, पता नहीं कितना टाइम लगता है इसमें। सामने से आप देखो, सामने से देखने में ज़्यादा सही रहेगा, सामने से दिखाता हूँ आपको ज़रा। ये हो रहा है भाई, और पूरी प्लेन बना दी है रोड शायद, और वहाँ पे थोड़ा बहुत बचा है अभी, वो लगे हुए हैं करने में। और यहाँ पे बोर्ड भी है, इसीलिए तो बोर्ड लगाया हुआ है ताकि देख के चलें, ऐसा है मतलब। चलो देखते हैं अब कितनी देर लगती है। और वैसे नीचे नदी भी है, ये देखो काली गंगा और गोरी गंगा संगम होने के बाद ये आगे आ गई है नदी, वो आगे दिखाई देगा संगम, दिखाता हूँ वो भी आपको। चलो बुलडोज़र सफाई तो कर रहे हैं मतलब, मगर मेरे को एक चीज़ गौर में आई है, ये देखो जैसे ऊपर ये इतने सारा पहाड़ है ना, तो पूरा का पूरा पत्थर ही पत्थर है यार ऊपर। नीचे से जैसी बारिश आएगी वो तो गिरेगा ही गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है, और ये साफ़ करते रह जाएंगे। तो भले ही कितना ही साफ़ कर लो ये चीज़ें सही नहीं होने वाली है, यहाँ से या तो कुछ दीवार लगानी पड़ेगी या तो कुछ इस टाइप का करना पड़ेगा तब जाके जो ठीक होगा, नहीं तो भाई आदमी कितनी बार साफ़ करेगा। वो देखो ऊपर टॉप से बिल्कुल पहाड़ कटा हुआ है, पत्थर दिख रहे हैं मेरे को सामने, हल्की सी बारिश आई थोड़ा सा मिट्टी खिसकी और पूरा का पूरा नीचे, पूरा का पूरा रोड में पूरी मिट्टी, इस वजह से इस जगह में सही नहीं है रोड। बहुत टाइम से देखा है, और वैसे मैंने यहाँ कई टाइम से ऐसी है वाली रोड, बट देखते हैं कुछ होता है तो यहाँ पे। चलो रोड क्लियर हो गई है, गाड़ियाँ शुरू हो गई हैं, देखो सब गाड़ियाँ जाने लगी हैं। हम भी देखते हैं ज़रा कैसी रोड सही कर रखी है इन बुलडोज़र वालों ने, ख़त्म ही हो गई है बस। सब चलते हैं अभी, बैठते हैं गाड़ी में, गाड़ियाँ आने लगी हैं, अब खुल गया है लगभग रास्ता। मगर ये देखो रास्ता खुलते ही यहाँ से भी लोग जाने लग गए और उधर से भी आने लग गए। अभी इतनी छोटी रोड है भाई, क्रॉसिंग कैसे होगी समझना चाहिए। अब वहाँ जाके साइड लगा रखी है गाड़ी, वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या थी, इससे अच्छा यहीं रुके रहते। बट कोई बात नहीं, उनको आने दो, फिर उसके बाद हम साइड लास्ट में जाएंगे, ज़रा पूरी रोड देखते हुए जाएंगे ना कैसी बना रखी है इन्होंने। लगभग सब क्लियर हो चुका है, अब हम भी चलते हैं यहाँ से, ये हमारी साइड वाली गाड़ियाँ भी सब चली गई हैं तो हम भी चलते हैं। जो कंस्ट्रक्शन है कैसा हो रखा है ज़रा देखते हैं जाते हुए हम। और इस टाइप की रोड में गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत आती है यार, मैं बताऊं बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मिट्टी जो है वो खिसकती है नीचे से। बट कोई बात नहीं, हम तो हम हैं, हम थोड़ी खिसकेंगे। ये देखो भाई मैं इसी वाली उसकी बात कर रहा था, ये वाली जो रेत है कई फिसलती है भयंकर। खैर अभी तो हम राइडर हुए तो फिसल नहीं रही है,
गाड़ियाँ तो काफ़ी रुकी थी वैसे यहाँ पे। यहाँ पे रुक के एक बार आपको जौल जी पी जो मैं नदी की बात कर रहा था उसको दिखाता हूँ, ठीक है। इतनी प्यारी नदी है ना, संगम है मतलब उनका, संगम मतलब होता है उनका जंक्शन, जंक्शन होता है उनका। ओके, सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही, पीछे से नहीं आ रही, इंडिकेटर देके हाथ दे देते हैं इधर का, ठीक है। और ये आ गए हम इस तरफ, यहाँ पे ज़रा 2 मिनट रुकना पड़ेगा हमको, बट कोई नहीं, रुक जाएंगे। हाँ तो बॉस, मैं जिस जंक्शन की बात कर रहा था वो मैं आपको दिखाई देता हूँ आखिर। वैसे यहाँ पर बिल्कुल पहाड़ों के नीचे इतनी प्यारी सी रोड बनी हुई है, इतना अच्छा लगता है ना पूरा देखने में। देखो छोटे छोटे पहाड़, सन, बहुत अच्छा लगता है देखने में ये चीज़। बट मैं आपको मेन दिखाने आया था कि जंक्शन काली नदी और गोरी नदी, काली नदी आती है धारचूला साइड से और गोरी नदी आती है हमारा जौल जी पी बरम, मतलब बरम साइड से। तो देखो ये है भाई, क्या प्यारा जंक्शन है ये। यहाँ पे जो है ना, ये ऊपर वाली जो नदी है, यहाँ से जो ऊपर से आ रही है, वो ऊपर से आ रही है वाली नदी काली नदी है, और एक नदी आ रही है यहाँ से, वो है गोरी नदी। और ये सामने SSB का कैंप भी है, SSB वाले यहाँ रहते हैं। और वैसे इस तरफ इंडिया है और इस तरफ नेपाल है, तो बिल्कुल एक छोटी सी नदी का, ये इतनी सी नदी का, इतनी सी नदी से नदी का गैप है, बाकी ये देखो कुछ है ही नहीं, यहाँ इंडिया, यहाँ नेपाल। और वैसे यहाँ पे नेपाली सिम भी पकड़ते हैं, नेपाली टावर लगाए होंगे ना, तो नेपाल के सिम यहाँ पकड़ते हैं और यहाँ के सिम वहाँ भी थोड़ा बहुत, मतलब कोर्स में जो ये साइड का एरिया है उसमें पकड़ ही लेते हैं सिम। तो आप दे समझ लो आप कैसा है इस तरफ का एरिया हमारा, बॉर्डर वाला एरिया। तो भाई मैंने यार वाली वीडियो अलग से बनाई, क्योंकि ऐसा था ना, जो मैं जौल जी पी से पिथौरागढ़, मतलब पिथौरागढ़ टू जौल जी पी वाली वीडियो बना रहा था वो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, वैसे ही 15-16 मिनट की है वो शायद, उसमें मगर इसको भी ऐड कर देता तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसमें ऐड नहीं किया है। तो ये अलग से आई है, तो मैंने उससे पहले ये डाल दी, मैंने बोला थोड़ा आपको इंटरेस्ट आ जाएगा कि मतलब रोड में कैसा कैसा हो रखा है, तो आप अगली वीडियो भी देखोगे। खैर तो इसको, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और जो पूरी की पूरी जर्नी है उसकी वीडियो हम आपको इसके बाद डालेंगे। और वैसे मैं सोच रहा हूँ मुनस्यारी भी जाने की, तो भाई बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहना, क्योंकि यहाँ से हम मुनस्यारी, बंगापानी सब जगह जाएंगे, देखेंगे कैसा है हर जगह। ओके, तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।